एक बार कौशल नरेश महाराज प्रसेनजीत ने रात्रि में भयंकर चित्कार पूर्ण शब्द सुने। इन शब्दों में केवल एक ही अक्षर था और वे अक्षर थे नी हा बा ए। चार अक्षर वाली इस करुण चित्कार ध्वनि के कारण राजा को रात भर नींद नहीं आई और वे शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। प्रातःकाल होने पर राजा ने ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा, राजन, ये करुण चित्कार ध्वनि नरक के प्राणियों की हो सकती है। इसको सुनने के भयंकर परिणाम होते हैं और राज्य शरीर यह सतता तीनों में से कोई एक जा सकता है। राजा ने घबराकर पूछा, हे ब्राह्मणों, मैं चार अक्षर वाले इस भयंकर शब्द को सुनकर रात भर सो नहीं पाया। इस समय भी मेरे मस्तिष्क में वही चार अक्षर घूम रहे हैं। इसके भयंकर परिणामों से तुम मेरी रक्षा करो। इस पर ब्राह्मणों ने चतुर्विध बलि विधान का महत्व बताकर कहा, हे राजा, प्रत्येक योनि में से चार चार प्राणियों की बलि देनी होगी। राजा ने आदेश दिया और तुरंत यज्ञ की तैयारी होने लगी। यज्ञ कुंड के समीप बड़े बड़े खूंटे गाड़े गए जिसमें बलि जीव गाय भैंस घोड़ा हाथी गधे मनुष्य तथा अनेक जीव पशु पक्षी भी वहाँ पर बांधे गए थे। तभी वहाँ पर महारानी मल्लिका आती है और महाराज से पूछती है कि राजन, आज ये किस तरीके का शोर शराबा है और किस तरीके की धूमधाम मनाई जा रही है। राजा ने रानी को पास बिठाकर रात की सारी घटना सुनाई। ब्राह्मणों को मैंने चतुर्विधि बलि विधान करने की अनुमति दी है, इसके बिना ये अमंगल शांत नहीं होगा। महारानी ने हंसते हुए कहा, महाराज, परंतु आपने तो सबसे बड़े ब्राह्मण का परामर्श ही नहीं लिया। राजा ने आश्चर्य से पूछा, सबसे बड़ा ब्राह्मण? रानी ने कहा, हाँ, सबसे बड़ा ब्राह्मण ईश्वर भगवान बुद्ध। राजा को बात समझ आ गई और वे भगवान बुद्ध से मिलने जैतवन चले गए। जैतवन में भगवान बुद्ध से महाराज मिले और राजा के मुख से संपूर्ण यथार्थ सुन तथागत ने कहा, हे राजा, चिंता की कोई बात नहीं है। नरक की यातनाएं न सह सकने के कारण कुछ लोग चित्कार कर उठे हैं, वही शब्द तुम्हें सुनाई दिया है। ये शब्द प्रथम बार तुमने ही नहीं सुना है, पूर्व भी बहुत से राजाओं ने सुना है। ब्राह्मणों ने तब भी बलि का विधान बताया था, परंतु बुद्धिमानों की बात मानकर राजाओं ने बलि की परंपरा को रोका था। जो चार अक्षर तुमने सुने हैं वे उन्हें भी सुनाई दिए थे, परंतु इनका अर्थ किसी की समझ में नहीं आया। प्रबुद्ध पुरुषों ने इनका अर्थ समझाकर उस हत्या विधान को रुकवा दिया। तथागत के समझाने से बलि तो रोक दी गई, लेकिन राजा को ये जिज्ञासा रही कि आखिर उन चार अक्षरों का क्या मतलब था। इस पर भगवान बुद्ध ने राजा को अपने पास बैठाया और राजा को ये कहानी के माध्यम से उन चार अक्षरों का मतलब बताया। भगवान बुद्ध कहानी शुरू करते हैं कि एक बार काशी में बर्मा तत्व का राज्य था। बोधिसत्व का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बड़े होने पर उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास ले लिया और हिमालय के पर्वत पर कुटिया बनाकर तपस्या और योगाभ्यास करने लगे। उस समय काशी के राजा को इसी प्रकार की चित्कार ध्वनि सुनाई दी थी और उसने भी ये चार अक्षर सुने थे। ब्राह्मणों ने उस समय भी चतुर्विधि बलि विधान की व्यवस्था की थी। बोधिसत्वे को योग बल से ये सब मालूम हुआ तो उन असंख्य प्राणियों की हत्या को रोकने के लिए वे योग शक्ति से तुरंत काशी पहुँचे और राजा को कहलाया कि उन चार अक्षरों का अर्थ वो समझा सकते हैं। राजा हाथी पर बैठकर उनकी सेवा में उपस्थित हुआ और अपनी चिंता का कारण निवेदन किया। बोधिसत्वे ने कहा, राजा, पापियों को दंड देने के लिए नरक में लोहकुंभी नामक एक यातना दी जाती है। लोहे के एक बड़े से घड़े में तेल खोलता है, उसी में प्राणियों को डाल दिया जाता है। उबलते हुए तेल में ये ऊपर नीचे आते जाते हैं, परंतु घड़े का मुख छोटा होने के कारण वो मुख से बाहर नहीं आ पाते। हजारों वर्षों साल बाद जब कभी वे घड़े के मुख पर ऊपर आ जाते हैं तो वो चिल्लाकर अपनी पीड़ा विश्व को सुनाते हैं। जो चार अक्षर सुनाई देते हैं वास्तव में उनकी बातों के प्रथम अक्षर होते हैं। अगला अक्षर बोल सकने के पूर्व ही वो पुनः नीचे चले जाते हैं। उनकी पूरी बात आज तक किसी को सुनाई नहीं दी, परंतु योग बल से मैं उनके हृदय की बात जानता हूँ। चारों पापी जो कहना चाहते हैं वो मैं आपको चार छंदों में सुनाना चाहता हूँ। बोधिसत्व उन चार अक्षर का मतलब बताते हैं। दोस्तों, ध्यान से सुने। नी का मतलब होता है निज संपत्ति का उचित भाग में दान नहीं कर पाया, पूरे कर्म ही किए नित पापों में भरमाया, सुख संपत्ति दो दिन का खेल दिखाकर होए त्रोहित, कहा मुक्ति इस लोहे कुंभ में घोर कष्ट है पाया। उसके बाद हा का मतलब बताया, हाय हाय दुखियों की विदा अब मैंने पहचानी, कोई हृदय द्रवित होगा क्या सुनकर मेरी वाणी, बीत रहे हैं युग पर युग पर अंत कहाँ कष्टों का, अरे नरक यातना कभी भी होती
नहीं पुरानी। उसके बाद भाग का मतलब बताया। भाग्य चक्र भी कर्मों के अनुसार हमें ले जाता, किंतु नरक के इन कष्टों का छोर नहीं टिक पाता। बोए थे विष बीज धरा पर करके जो नादानी, आज उन्हें कुटी घरल फूलों को रो रो कर खाता। उसके बाद ए का मतलब बताया। एक बार इस लोहे कुंभ से यदि पाऊं छुटकारा, एक बार यदि भाग्य मुझे दे फिर से नर तन प्यारा। सच कहता हूं करुणा के जल से मन का मैल धोकर, सत्कर्मों का अर्पित कर दूंगा मैं जीवन सारा। दोस्तों, नरक के अंदर जो यातना दी जाती थी, उसके अंदर जो लोग थे, जो पापी थे, वो यही शब्द बोल रहे थे। वो बोल तो पूरा रहे थे, लेकिन वो फिर नीचे चले जाने के कारण उनका एक ही शब्द उस राजा को सुनाई दिया। दोस्तों, उसके बाद उस राजा ने भी उन चार अक्षरों का मतलब जानकर अपने मन को संतुष्ट किया। ये चारों बातें आपको भी पसंद आई होगी, आपने भी अपना ज्ञान बढ़ाया होगा। यदि कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही बुद्ध की कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।